हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में पेड़ों के बारे में कुछ बताऊँगी जो मैंने घर में लगाए हुए हैं और जो थोड़ा शेरूपन कर रहा है उसके बारे में। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा। और ये देखिए मेरे पास आ गया है, ये देखिए ये आके बैठ गया है, कुछ भी काम नहीं करने देता है। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बोलो शेरू, देखो शेरू, देखो शेरू, देखो 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 देखो। और ये देखना आगे तो जरूर देख रहा है, कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो। हेलो फ्रेंड्स, और ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पर, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने ये एक गुलाब का फूल गुलाब का पेड़ लगाया था और इस पर छोटी छोटी कलियाँ आने लगी हैं और मुझे इन्हें देखकर ना बहुत ही खुशी हो रही है। असल में ये पहली बार फ्लावर आ रहे हैं, तो आपको ये कैसा लग रहा है? और इसको मैंने ना मतलब पेड़ की कलम से ही लगाया था। और अब देखिए ये शेरू ना, और अब देखिए शेरू ना, शेरू बहुत ही शैतानी करता है सारे में। और देखिए इसमें चिंटू का टैडी ले, और देखिए ये चिंटू का टैडी ले रखा है इससे, और इससे खेल रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, बस ये सुबह से ही दंगा करने लगता है और शुरू हो जाता है दंगा करने के लिए और बस काम भी नहीं करने लगता। और अब भी देखिए ये भौंके जा रहा है मेरे पास, खड़े रहते हुए भौंक रहा है। और देखिए कितना दंगा कर रहा है, और इसने यहाँ पर टैडी को छुपा दिया है, अभी थोड़ी देर में ढूंढ कर लाएगा ये। और ये ऐसे ही करता रहता है सारे दिन, मस्ती बस। और आब देखना अब मैं आ गई हूँ किचन में मॉर्निंग का नाश्ता बनाने के लिए। और आज हमने नाश्ते में कुछ ऐसा नहीं बनाया था, बस मन नहीं कर रहा था, तबीयत थोड़ा सा ऐसी हो रही थी, तो मैंने ना करौली रखी थी चावलों की, बनाई थी चावलों से, और क्या बोलने मैंने इनको ही तल लिया था, करौलियों को ही फ्राई कर लिया था। और अब देखिए मैंने यहाँ पर करौलियाँ बना ली हैं सारी, और अब मैं इनको बस अब मैं बनने वाली हैं ये, अब सारी तल लूँगी मैं जितनी भी खानी है एक बार ही, क्योंकि बार बार कढ़ाई गैस को बंद करने से ना बार बार कढ़ाई ठंडी हो जाती है और फिर वो बार बार गर्म करनी पड़ती है। और इधर ये सारी करौलियाँ तल ली हैं हमने नाश्ते के लिए, और इधर हमारी चाय भी बन चुकी है, और ये देखिए मेरी चाय भी बन चुकी है। और चलो, और ये देखिए करौलियाँ भी तल चुकी हैं, और ये देखिए चलो साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं। हाँ तो चलो चलते हैं और मिलते हैं 2 मिनट के बाद में। और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक मनी प्लांट का पेड़ लगाया हुआ है, और इसी में ये सदाबहार लगी हुई है। तो इसमें ना पता नहीं क्या कर रहा है, इसके गमले में रोज़ एक चूहा आता है छोटा सा, और वो घुस जाता है इसके अंदर आके और सारी मिट्टी को निकाल देता है। तो इसको मिट्टी के निकालने की वजह से शायद वो जड़ को भी काट देता होगा ना, तो इसमें ना मतलब मिट्टी खोद के डाल देता है तो उसे हवा जाती है जड़ों को, तो इसकी पत्तियाँ ना सदाबहार की पत्तियाँ सूख गई हैं, तो मैं उनको ही निकाल रही हूँ मैं इन पत्तियों को। और देखो ये मैंने प्लांट की जो पत्तियाँ बेकार हो रही थी ना, मैं उनको ही निकाल रही थी यहाँ से, क्योंकि जितने भी ये मनी प्लांट के अंदर ख़राब पत्ते लगे हुए होते हैं ना, वो ना मतलब इनकी प्लांट की एनर्जी को अपनी तरफ करते हैं और वो ज़्यादा फिर बेकार हो जाते हैं, ज़्यादा फिर अच्छे भी नहीं लगते। और ये जो गमला है ना, ये गमला भी घर पर ही बनाया हुआ है, हाँ इसके पापा ने बनाया था ये गमला सीमेंट से ही। और ये जो इसकी सपोर्ट करने के लिए बनाई हुई है ना स्टिक, ये भी घर में ही बनाई है। और ये ना मैंने जो नारियल होता है ना उसका वही ऊपर का छिकल से और पीवीसी पाइप के ऊपर लगा के उसके ऊपर गज्जा लपेट दिया था, और ये सपोर्ट के लिए बना दी थी जिससे मतलब मनी प्लांट सीधे चले। और देखिए पीवीसी पाइप भी चमक रहा है, और ये ना मतलब मैंने इसको स्टिक को मतलब जीरो कॉस्ट में ही बना लिया था। अगर आपको अच्छी लगे तो बनाना, अगर आप इसके बारे में मैंने कैसे बनाई तो प्लीज़ कमेंट करना और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये कैसे बनाई थी। और ये देखिए पत्ते, देखिए कितने चूहे ने काट दिए हैं नीचे से ये सारे, और देखिए ये छेद भी हो रहा है इधर साइड में, तो वो चूहा बहुत परेशान कर रहा है। और हमारे सदाबहार पे, इस सदाबहार पे वाइट और पिंक फ्लावर एक ही साथ आते हैं, और हमने पूजा के लिए। और ये देखिए
ये छोटा सा ये जो मैंने पत्ते तोड़े थे ना कटे हुए, तो मैंने अब इनको लगा दिया है पानी के अंदर। इससे ये प्लांट बनेंगे कुछ दिन के बाद में, इसमें नीचे से जड़ें निकल आएंगी। और ये गुलाब की डंडी है ना, इनको लगा दिया है। और जब ये ग्रो हो जाएंगी ना थोड़ी थोड़ी, तब मैं इसको मिट्टी में लगा दूंगी और इस पर भी कुछ दिनों में फूल आने लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। और ये देखिए शिवांश को उसके पापा ने गंजा करा दिया था ना, तो बहुत रो रहा था वो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके खीरे रखे हैं और ये नहीं खा रहा गुस्से में।